माई सेल्फ शेफ राहुल। जिन लोगों ने पहले मेरा वीडियो नहीं देखा है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वंस अगेन। माई सेल्फ शेफ राहुल, आई एम दी एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ वेलकम हेरिटेज ट्रेडिशनल हवेली। इट्स अ पार्ट ऑफ ITC एंड आई एम अ कलनरी हेड एज वेल फॉर द होटेलियर्स ग्रुप विच ओन्स 3 प्रॉपर्टीज इन जयपुर, दैट इज #BC, #WTF एंड #Chool। #BC इज आर सिट एंड रिलैक्स हैप्पी आर बार टू कीप यू हैप्पी ऑल द टाइम। WTF इज एक्चुअली आर स्पोर्ट्स बार लाउंज वेयर यू कैन हैव लेडीज नाइट एंड ऑन वेडनेसडेज। एंड द थर्ड वन इज #Chool। दिस इज आर न्यू बेबी विच इज ऑन द स्कूल थीम, लाइक अ कैफे ऑन अ स्कूल थीम, सो यू कैन कम एंड एन्जॉय एंड रैलिश द ओल्ड डेज ऑफ योर स्कूल वेन एवर यू आर देयर इन जयपुर। सो टुडे अगेन मैं एक बहुत ही फ्यूजन वाली रेसिपी लेके आया हूँ, एक यूनिक रेसिपी लेके आया हूँ जिसका नाम है चीज़ी पिज़्ज़ा शॉर्ट्स। शॉर्ट्स आर लाइक एक छोटे मिनिएचर जिनको हम एक सिप में, जैसे हम किसी बार में जाते हैं तो एक सिप में अपन शॉर्ट ले सकते हैं, उसी तरह वो पिज़्ज़ा जो हम एक ही बाइट में पूरा खा सकें। सो फॉर दीज आई हैव द इन्ग्रीडियंट्स विच आर कॉर्न पेपर्स, लाइक आई हैव द वेजिटेबल्स, कॉर्न, येलो पेपर, रेड पेपर, मशरूम, देन आई हैव पिज्जा सॉस, आई हैव केचप, मेयोनेज, चीज, रेड ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, रेड चिली फ्लेक्स, पुचकास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू कि किस तरह हम वेजिटेबल्स को सौते करें। ये पिज्ज़ा सॉस जो है, ये पिज़्ज़ा सॉस हमारे पास होटल में ऑलरेडी बनी हुई रहती है, कई होटलों में बनी हुई रहती है। आपके पास अगर नहीं है बनी हुई तो आप इसको बाहर से भी ले सकते हैं एंड यू कैन गेट फ्रॉम द मार्केट रेडी। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है पिज़्ज़ा सॉस के लिए। जो वेजिटेबल्स हैं ये कच्चे हैं। आई जस्ट टेल यू कि किस तरह वेजिटेबल्स को सौते किया जा सकता है। सो जस्ट कम टू मी ऑन दिस पैन। दिस टाइम आई एम यूजिंग अ नॉन स्टिक स्पैचुला। फिर दिस फर्स्ट आई विल टेक द बटर। मैं इसमें बटर लूंगा विच इज अमूल बटर। हमें इसमें अमूल बटर को केवल मेल्ट करना है, ब्राउन नहीं करना है। ब्राउन करेंगे तो इट गिव्स अ बिट ऑफ बर्न स्मेल, थोड़ी जली हुई स्मेल देता है, तो हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। विल जस्ट मेल्ट इट एंड व्हाट विल पुट इज लाइक गार्लिक एंड अनियन। फर्स्ट आई विल पुट गार्लिक। मैं इसमें लहसुन डालूँ, थोड़ी सी फ्लेम को तेज करेंगे। अगेन व्हेन इट कम्स टू कॉन्टिनेंटल कुजीन, जब भी कॉन्टिनेंटल कुजीन की बात आती है तो हम लोग गार्लिक को फुल ब्राउन नहीं करते हैं जिस तरह हम इंडियन खाने में करते हैं। वी जस्ट सौते इट, वी मेक इट ट्रांसल्यूसेंट, थोड़ा सा आर पार दिख जाए बस उतना गर्म करते हैं एंड देन वी एड द वेजिटेबल्स। विल नॉट मेक इट कम्प्लीटली ब्राउन। सो फॉर दिस वी नीड टू सौते इट ऑन अ वेरी लो फ्लेम। हम बहुत लो फ्लेम पे कुक करते हैं इसको। उसके बाद अब देखेंगे, जैसे आप ये ऑलरेडी सौते हो चुका है पर ये ब्राउन नहीं है। आई विल ऐड द वेजिटेबल्स। मेरे पास यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल्स हैं, मैं इनको ऐड कर दूंगा इसमें। नॉर्मली ग्रीन और सॉरी येलो और रेड कैप्सिकम जो है वो कच्चे भी खाए जा सकते हैं। सो अगर आपके वेजिटेबल थोड़े कम कुक रह जाते हैं या थोड़े कच्चे रह जाते हैं तो यू नीड नॉट टू वरी। उसी तरह कॉर्न भी है, ज़रा से सौते करके आप इनको खा सकते हैं बिकॉज दीज आर स्वीट कॉर्न, ये मीठे मकई के दाने हैं, तो ये भी आप या तो कच्चे भी खा सकते हैं और हल्के भुने पके भी खा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कम्प्लीटली कुक करें। इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे मशरूम्स। आप अगर मशरूम पसंद करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ मशरूम। अगर आप मशरूम पसंद नहीं करते हैं तो यू कैन टेक आउट द मशरूम, इट्स अप टू यू। ये केवल आपके ऊपर है, आप किस तरह की वेजिटेबल इसमें डालना चाहते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर जुकिनी, ग्रीन बेल पेपर और बेबी कॉर्न, जो वेजिटेबल आप यूज़ करना चाहें इसमें यूज़ कर सकते हैं। सी जस्ट मैंने जैसा आपको बताया कि ये एक फ्यूजन है, तो फ्यूजन में आप और भी बहुत तरह की चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। मैं आज जस्ट एक बेसिक जो पिज्ज़ा की टॉपिंग्स होती हैं उसको पुचके में डाल के आपको
अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इसकी स्टफिंग चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इसकी स्टफिंग कुछ और करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए पनीर टिक्का हो गया, अगर आप चाहते हैं तो इसमें पनीर, आपको इसमें जो टोमेटो सॉस है, जो पिज़्ज़ा सॉस है, उसके साथ आपको थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालने पड़ेंगे, जैसे कि अपना हरी चटनी हो गया, जो कि इंग्रेडिएंट्स मैच करते हैं पनीर टिक्के के साथ। तो वो आपको खासकर ध्यान रखना है। आज मैं बहुत सिंपल बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए, इसके अंदर हल्की सी टोमेटो सॉस डालेंगे और इसको भुनने के लिए रखेंगे। ये थोड़ा टाइम होता है, तो इसको मैं ऑलरेडी तैयार कर चुका हूँ। मेरे लिए दिस वॉज अ प्रोसेस आई नीड टू शो टू यू। इसमें हम जो यूज करेंगे वो है चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स यूज करेंगे और ओरिगेनो यूज करेंगे इसके अंदर हम सीजनिंग के लिए। ब्लैक पेपर यूज करेंगे। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारी जो सॉस है उसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट है, प्लस जो बटर है उसके अंदर सॉल्ट है, तो हमें सॉल्ट की ओवरडूइंग नहीं करनी है। इसलिए मैंने इसमें अभी सॉल्ट नहीं डाला है, क्योंकि इसके ऊपर जो मैं चीज डालूंगा, इसके अंदर जो मैं चीज डालूंगा उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होगा, तो आई एम नॉट यूजिंग सॉल्ट एज फॉर नाउ। तो ये एक प्रॉपर तरीका है इसकी स्टफिंग बनाने का। आई एम जस्ट कीपिंग इट असाइड एंड देन आई विल यूज व्हाट आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस। ये देखिए, इसको जिस तरह से बनाया था ये ऑलरेडी मेरे पास रेडी मिक्सचर है। नाउ आई विल शो यू द प्रॉपर स्टफिंग, कि किस तरह इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम इसकी स्टफिंग बना रहे हैं। आई एम श्योर वेन एवर यू विल सी द फाइनल प्रोडक्ट यू विल रिमेंबर ऑफ वन थिंग विच यू कॉमनली ईट, बट यू माइट नॉट बी गेटिंग दैट राइट नाउ। इज द वेजिटेबल जो हमने सौते कर, हमें इसको थोड़ा कूल डाउन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट गर्म पुचकों में डालेंगे तो पुचके सौगी हो जाएंगे, पुचके लंपी हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ा ठंडा करके रखें। तो ये देखिए, मैंने वेजिटेबल्स ले लिए हैं। तो इसके बाद मैं इसमें लूँगा पिज़्ज़ा सॉस के रखी थी। पिज़्ज़ा सॉस के बाद अब इसके अंदर मैं डालूंगा थोड़ा सा ब्लैक पेपर। चटपटा बनाना है, क्योंकि जब भी हम कभी पुचको का या पानी पूरी का या पताशों का नाम सोचते हैं, दिमाग में डालते हैं, तो सडनली अ चटपटा थिंग स्ट्राइक्स टू आवर माइंड। सो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें कॉन्टिनेंटल टेस्ट होते हुए भी इसको किस तरह चटपटा बनाना है, या थोड़ा सा टैंगी बनाना है, या थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है। तो पहले मैं इसको, इसकी बॉडी तैयार करूंगा, क्योंकि बॉडी हम बना रहे हैं इसको थोड़ा सा मेयोनेज़ डाल के। और इसको थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देंगे केचप डाल के। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक परफेक्टली बैलेंस मिक्सचर तैयार हुआ है विद द यूज ऑफ टोमेटो सॉस एज वेल। आपको इसमें टोमेटो सॉस के साथ साथ एक क्रीमी और एक चीजी टेक्सचर दिखाई देगा। सो आई थिंक दैट माइट बी रेडी, लेट मी जस्ट चेक। एब्सोल्यूटली इट्स कंप्लीटली रेडी, जस्ट नीड टू एड अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर। अब इसके अंदर इसको और थोड़ा चटपटा और थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैं इसमें यूज करूंगा टोबेस्को सॉस। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इसको खरीद के रख सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं होती है और हर चीज़ में नॉर्मली पिज़्ज़ा पास्ता में यूज़ होती ही होती है। इसको और थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, अगर आप और स्पाइसी करना चाहते हैं, मेरे को थोड़ा चटपटा और स्पाइसी पसंद है, अगर थोड़ा स्पाइसी करना चाहते हैं यू कैन यूज़ एलपिनोस एंड यू कैन यूज़ ऑलिव्स। और इन दोनों को हम नॉर्मली किचन की भाषा में या कलनरी भाषा में हम लोग इसको पिकल्स कहते हैं। तो पिकल्स इटसेल्फ मींस चटपटा और थोड़ा टेंगी, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। एलपिनो इज एक्चुअली अ मैक्सिकन चिली, हम एलपिनोस बोलते हैं, पर एलपिनोस है क्या कई जने नहीं समझते। एलपिनोस इज एक्चुअली अ मैक्सिकन चिली, उसको ब्राइन सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है टू कीप इट प्रिजर्व।
तो इट मेक्स अ बिट स्पाइसी. सो द माई मिक्सचर इज एक्चुअली रेडी. नाउ वॉट आई विल डू इज लाइक आई विल स्टार्ट प्लेटिंग. सो फॉर प्लेटिंग फर्स्ट आई नीड टू फिल दीज पुचकास. सो द प्रोसेस विल बी द सेम. जिस तरह हम पुचकों को तोड़ के और उसको हम फिल करते हैं आप आलू से या फिर दही से, यहाँ हम इसको इस मिक्सचर से फिलअप करेंगे. आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग कि पिज्जा की इतनी दुर्गति हमने कभी नहीं देखी. बट बिलीव मी वंस यू विल प्रेजेंट दिस थिंग इन योर विथ योर फैमिली टू योर फैमिली और मे बी टू योर फ्रेंड्स और मे बी टू एनी कलीग whom you have called for your get together, I'm sure they're gonna love it or they will say that yes, they have eaten something which is unique. So don't hesitate in trying anything. कुछ भी try करने में कभी भी हिचकिएगा मत, सोचिए मत कि भैया ये अच्छा लगेगा, अच्छा दिखेगा, नहीं दिखेगा. एक बार ज़रूर try कीजिए. Try करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने जो बनाया है that is something which is unique or you may be proud of yourself. This dish is actually available at my restaurant as well in Jaipur, which is Chool, hashtag Chool. और ये वहाँ की काफ़ी पॉपुलर डिश है. इट इज़ बाय द नेम पिज्ज़ा गोलगप्पा. पिज्ज़ा गोलगप्पा के नाम से ये वहाँ पर मिलती है. इट्स इन द मेन्यू एंड बिलीव मी इट्स वेरी लाइक इट्स वेरी फेमस. पीपल डू लव इट. सो 1, 2, 3, 4, 5 वन मोर. आई डू वन पोर्शन. जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमने फिलिंग में कोई कमी नहीं रखी है. सो आई हैव डन द फिलिंग बिकॉज अब इसके ऊपर हम डालेंगे दैट इज ग्रेटेड चीज़. थोड़ी थोड़ी ग्रेटेड चीज़ डालेंगे. दैट इज़ अमूल प्रोसेस चीज़ अगेन. अमूल की ही प्रोडक्ट्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं विच आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट एंड विच हैज़ अ गुड टेस्ट एंड क्वालिटी. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द प्रोडक्ट्स. नाउ देर आर टू वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द डिश. किस तरह अगर आप चाहें तो इसमें ही अमूल प्रोसेस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा ग्रेट करके यू कैन प्रेजेंट इट दिस वे. और एल्स इफ़ यू वांट यू कैन पुट अ बिट ऑफ मोज़रेला चीज़ ऑन टॉप लाइक दिस. एंड देन यू कैन कीप इट फॉर बेकिंग. I'll say I would rather prefer that if you can do a flash bake, that is just do the baking for 10 or 15 seconds, not more than that, so that it doesn't get lumpy, it doesn't get soggy and the mozzarella cheese melts away. So I'm using my oven. I'll just bake it for 10 minutes maximum. The oven is actually preheated on 250 degrees, so you need to just keep your oven preheated so that whenever it goes in it bakes up very fast and you can easily take that out. So till the time jab tak ye bake hota hai I'll just do the plating, because in fusion cuisine aapki plating ek bahut important role play karti hai. So this is a platter I'm gonna take. Aur maine yahan pe ek अमूल प्रोडक्ट से यूज़ करते हुए एक चीज़ सॉस तैयार करिए विच इज़ अ ब्लेंड ऑफ बटर, प्रोसेस चीज़ एंड फ्रेश क्रीम. आप चाहें तो इसकी रेसिपी देख सकते हैं एंड देन यू कैन कीप इट. आप सोच रहे होंगे मैं ये डॉट्स क्यों लगा रहा हूँ. ये डॉट्स मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि whenever I take out the puchkas, I can keep it on the plate and it remains stick to the plate. ये plate पे चुपके रहे. तो उनको थोड़ा base देने के लिए I have used the cheese sauce.
जैसा कि आप देख सकते हैं, आई हैव नॉट कैप्ट इट फॉर टू लॉन्ग टाइम, बट येस द मोजरेला चीज़ हैज़ गॉट बेक्ड, थोड़ी गर्म हो गया है अंदर का स्टफिंग और मोजरेला चीज़ बेक हो गई है. तो येस आई एम नाउ गोना पुट इट ऑन द प्लेट एंड दीज डॉट्स गोना हेल्प मी आउट दैट इट शुड नॉट मूव. Okay, so this one I keep on the side, and next I'm just gonna use the cheese sauce again to garnish the plate. That's I'm just gonna drizzle it on the top like this. I'm just gonna put a bit of oregano and a bit of chili flakes, as these becomes the accompaniment of a pizza. So I'm just gonna put these like that. So these are your puchka shots ready to be served. These are a mixture of Indian puchkas and Italian pizza. So guys, this is how you can prepare, or you can think of doing something which is different in the regular manner. Now let me just check what comments, if you have any question on the comments, I can answer you that. If any question is there, just let me check. Yeah, puchkas, you can Suruchi Madhav, you can use the puchkas ready made, or else there are puchkas which are available in the packets. You just need to get them and you need to fry them, that's it. I could have shown you if I would have time left. This it's chaffa rose. It's not that filling, but yeah, it can you can circulate this and you can do it multiple times so that people can enjoy it on the regular basis. So guys, these were my puchka shots which are ready, which you cheesy pizza shots which are ready. So if you want to have more recipes like this, agar aapko aisi aur anokhi ya fir achhi recipes aapko chahiye, to you can follow me on my YouTube page, that's Cook Dil Se, COOK Cook DIL Dil SE, Cook Dil Se. Or else you can follow me on my Instagram as well, that is chef_rahul_single, that's my handle. So guys, this was me cooking from my kitchen in the lockdown period, and I really have to say thanks a lot for giving me such a good opportunity to Amul is doing a wonderful job, dono tarah se, hum chefs ke liye bhi, so that we can give our best to make our flavor, हमारा जो taste है, हमारा जो स्वाद है, वो आप लोगों तक पहुँचाने के लिए. Similarly, you should not miss the hotel food, जो आप लोग बाहर जाके खा सकते थे, वो अब आप खुद घर में बना के खा सकते हैं. तो I am very grateful to Amul to giving us such a nice opportunity, and do cook, enjoy, cook दिल से, and please follow the proper lockdown. Thank you.